पैरेलल यूनिवर्स में प्रोफेसर श्रीनिवासन जो राघव के सामने खड़ा था, परिसाल में देखकर उसके सामने खड़ा राघव घबराने लगता है। उसके हाथ पैर श्रीनिवासन को देखकर कांप रहे हैं, क्योंकि श्रीनिवासन का गोल्डन ग्लव्स अब एक घातक वेपन बन चुका है, जिसकी उंगलियों से बड़े बड़े खंजर जैसे तेज धार नाखून बाहर निकल आए, जिनकी लंबाई 6 इंच के आसपास है। अगले ही पल प्रोफेसर श्रीनिवासन अपने हाथ में पहने उस गोल्डन ग्लव्स के नाखून को राघव के चेहरे की तरफ ले जाता है और धीरे धीरे उन नाखूनों को राघव के गले तक ले आता है। अरे तुम तो डर गए, मैंने कहा था ना तुम मेरे बेटे जैसे हो और मेरे फेवरेट स्टूडेंट में से एक हो, इसलिए तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, श्रीनिवासन मुस्कुराते हुए बोला। चलो तुमने सच कबूल कर ही लिया है कि वो शख्स तुम हो जिसने हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को दुश्मन तक पहुंचाया, तो अब इसके बदले में मैं क्या करूं, तुम मुझे बताओगे कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, श्रीनिवासन ने धीमी आवाज में राघव के कान में कहा। श्रीनिवासन के इस अजीब सवाल पर राघव कुछ न बोल सका और पहले से भी ज्यादा घबरा गया। तुम्हारी ये चुप्पी मुझे ये बताने के लिए काफी है कि तुम माफी नहीं मौत चाहते हो। अब देखो मैं तुम्हें दोनों दे रहा हूं ताकि दोबारा से तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत ही न पड़े। ऐसा कहते ही प्रोफेसर श्रीनिवासन अपने गोल्डन ग्लव्स के तेज धारदार नाखूनों का वार राघव के गले पर करता है और चंद ही मिनटों के अंदर तड़पते हुए राघव की बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। श्रीनिवासन की उस खुफिया लेबोरेटरी में मौजूद बाकी स्टूडेंट ने आज प्रोफेसर श्रीनिवासन का वो चेहरा देखा जो इससे पहले उन्होंने नहीं देखा था, इसलिए आज सभी स्टूडेंट्स श्रीनिवासन का ये रूप देख पूरी तरह शॉक है। ये सर इतने खतरनाक है, हमें नहीं पता था, एक लड़के ने कहा। उसके इस बात पर दूसरे लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम ज्यादा मत बोलो नहीं तो तेरा भी यही हाल होगा, वैसे भी सर ने कुछ गलत भी तो नहीं किया। क्या ये तू क्या बोल रहे हैं, सर ने कैसे ये सब सही किया, पहले लड़के ने पूछा। इसके इस सवाल पर दूसरे लड़के ने अपने दोस्त के कान में जाकर कहा। अब कोई भी किसी का सीक्रेट बता देगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना, आखिर सर इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। इतना कहकर दोनों शांत हो गए, पर बाकी के लड़के को ये सब गलत लगा, इसी कारण वो सारे सभी स्टूडेंट अपनी बेंच पर खड़े होकर श्रीनिवासन के पास आ गए और उसे गुस्से भरी नजरों से देखने लगे। ये क्या किया आपने, मार दिया राघव को, पर क्यों, क्योंकि आपने ऐसा, उन स्टूडेंट्स ने गुस्से में श्रीनिवासन से पूछा। जो राघव ने किया उसकी सजा सिर्फ यही थी, अगर मैं इसे खत्म नहीं करता तो ये हमारे लिए नासूर बन जाता, फिर तुम देखते कि कुछ वक्त बाद डॉक्टर ध्रुव अपने इरादों में कामयाब हो चुका होता, इसलिए मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर ध्रुव तक हमारी कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और साथ ही मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन सीक्रेट एजेंसियों तक पहुंचे, यही कारण है कि मैंने राघव को मार दिया, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने बाकी स्टूडेंट्स को समझाते हुए कहा। लेकिन सर राघव मेरा दोस्त था, आपने उसे मार दिया, उनमें से एक लड़के ने सवाल किया। मैं जानता हूं राघव तुम्हारा दोस्त था, लेकिन तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुम्हारी लड़ाई बुराई के खिलाफ है, ऐसे में तुम्हें अपने दोस्त की मौत का गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने जो कुछ भी किया उसका खामियाजा आने वाले वक्त पर तुम्हें ही भुगतना पड़ता, उस वक्त उसने ये नहीं सोचा था कि तुम लोग उसके दोस्त हो, और उसकी नजरों में तो तुम उसके दोस्त नहीं बल्कि उसके दुश्मन थे, श्रीनिवासन ने पूरी बात बताते हुए कहा। हमारे सीक्रेट मिशन के बीच अगर कोई तुम्हारा अपना भी आए तो तुम उसे भी खुशी खुशी खत्म कर देना, क्योंकि तुम सभी लोग अच्छाई के रक्षक हो और अच्छाई के खातिर तुम्हें अपनों को भी मारने में कोई दर्द नहीं होना चाहिए, श्रीनिवासन ने एक बार सभी स्टूडेंट्स को समझाया। हम आपकी बातें समझ गए प्रोफेसर, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप जो भी काम करते हैं वो अच्छाई को समर्पित होता है, इसलिए आज से जो कोई भी हमारे सीक्रेट मिशन में रोड़ा बनेगा उसे हम सब खत्म कर देंगे, ये हमारा आपसे वादा है, उन सभी स्टूडेंट्स ने जोश भरी आवाज में जवाब दिया। एक तरफ पैरेलल यूनिवर्स में ये सब हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इधर रियल यूनिवर्स में दिन की तेज धूप खिली हुई है, सड़क पर एक मारुति वैन स्कूल से घर को जा रही है, कुछ स्कूली लड़कियों को किडनैप करके अपने अड्डे पर ले जा रही है, उन सभी लड़कियों की उम्र 15 से 16 साल के आसपास है, जिनका अभी रो रो कर बुरा हाल है, इनके हाथ और मुंह बांधे गए हैं और आंखों में काली पट्टी लगाई गई है, बावजूद इसके ये स्कूली लड़कियां मदद की गुहार लगाने के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन इनका मुंह एक कपड़े से बंधे होने के कारण इनकी आवाज किसी और को नहीं सुनाई देती सिवाय उन बदमाश किडनैपर्स के। इनके हाथ पैर बांधे हुए हैं, बावजूद इसके इन लड़कियों ने हमारी नाक में दम कर रखा है, वैसे जितना चिल्ला सकती हो चिल्लाओ, क्योंकि अब हम तुम्हें जहां ले जा रहे हैं वहां तुम्हारी चीखों को कोई नहीं सुनने वाला, गाड़ी चला रहा एक बदमाश कहता है। तुमने ठीक कहा, आज हमारे साथ सोने की एक मुर्गी नहीं बल्कि बहुत सारी मुर्गियां लगी है, क्या बोलता भाई क्या कीमत होगी इनकी, दूसरे किडनैपर ने पूछा। भाई ये तो हम सबके भाई डिसाइड करेंगे इनकी क्या कीमत होगी, अभी ने अपने भाई सूर्या को सौंप देंगे फिर हमें हमारे इस काम के बदले रोकड़ा मिल जाएगा, बाकी भाई को सोने के अंडा देने वाली मुर्गियां। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए वैन में बैठे बाकी बदमाशों ने कहा। अगले पल वैन ड्राइवर ने वैन को और स्पीड से आगे भगा दिया और फिर वे बदमाश उन मासूम लड़कियों को लेकर इन बदमाशों के हेड सूर्या के पास आ गया। क्या बात है, बहुत खूब, तुम लोगों ने इन लड़कियों की आंख में अभी तक पट्टी रखा है, ये अच्छी बात नहीं, इनकी आंख और मुंह से पट्टी खोल लो, बदमाशों के हेड सूर्या भाई ने बाकी बदमाशों से कहा, और उसके ऐसा कहते ही उन लड़कियों की आंखों और मुंह से पट्टियां हटा दी जाती, लेकिन अभी भी उनके हाथ नहीं खुले जाते। लड़कियों की आंखों से पट्टी खुलती है तो वे अपने सामने एक अजीब सी शक्ल वाले बदमाश को देखती है और चारों तरफ नजर दौड़ाने पर उन्हें पता चलता है कि वहां चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ है, बस हल्की सी रोशनी वहां पर है जहां पर वो बदमाश खड़ा है जिसका चेहरा अभी साफ साफ नजर आ रहा है। हमें छोड़ दो अंकल, हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
हमें यहाँ से जाने दो, लड़कियों ने रोक कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अरे इतनी जल्दी भी कहाँ है जाने की, अभी तो तुम्हें मेरे साथ काम करना है, समझे तुम? एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बदमाशों का हेड बोला। अगर आपने हमें नहीं छोड़ा तो हम पुलिस को बताएंगे, फिर देखना आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, उन लड़कियों ने अपनी आवाज में गर्माहट लाते हुए कहा। इसको सुनकर वो सारे बदमाश हंसने लगे। अच्छा देखो मैं तुम लोगों को इतने प्यार से समझा रहा हूँ और तुम लोग पुलिस की बात कर रही हो, ये बात अच्छी नहीं है। वैसे तुम पुलिस को इन्फॉर्म कैसे करोगी, जब मेरी चुंगल से छूटोगी तभी तो इन्फॉर्म कर पाओगी ना। बदमाशों का हेड एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला और अगले ही पल वो अपने साथियों की तरफ देखने लगा। वाह मेरे शेरो वाह, आज तुमने जो काम किया है उसकी मैं तुम्हें दाद देता हूँ, क्योंकि तुम नहीं जानते आज तुम लोग मेरे लाखों के प्रॉफिट का कारण बनने जा रहे हो। ये लो तुम सबका इनाम, इसे बराबर बांट लो। ऐसा कहते ही बदमाशों के हेड सूर्या भाई ने अपनी जैकेट के पॉकेट से कुछ नोटों के बंडल निकाले और अपने आदमियों की तरफ फेंक दिया। ये है तुम्हारा इनाम और बाकी इसी तरह से तुम मेरे लिए काम करते रहो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा, सूर्या ने कहा। तभी अचानक उस बड़े से कमरे का शटर ओपन होता है जिससे उस जगह पर थोड़ी बहुत लाइट अंदर आती है और उसी हल्की लाइट के बीच एक अनजान शख्स धीरे धीरे कदमों के साथ बदमाशों के हेड की ओर आता है जिसका चेहरा अभी भी साफ नजर नहीं आ रहा है। कौन हो तुम, बदमाशों के हेड सूर्या ने चौंकते हुए कहा। उसके सवाल पर उस शख्स ने जवाब देते हुए कहा, सभी के ऊपर इनामों की बौछार कर रहे हो, जरा हमारे ऊपर भी इनामों की बौछार कर दो। कौन है तू और क्या लगता है हमारा जो हम तेरे ऊपर इनामों की बौछार करते, वो भी बिना किसी काम के? अगर मेरे लिए काम करना चाहता है तो बता, अगर तू काम कर पाया तो इसी तरह तेरे ऊपर भी मैं इनामों की बौछार कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तू मुझे ये बता कि तुझे यहाँ भेजा किसने, बदमाशों के हेड सूर्या ने पूछा। मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा है और ना ही मुझे बुलाया गया है, मैं खुद बखुद आया हूँ यहाँ तुम जैसे लोगों का हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से नामो निशान मिटाने के लिए, उस अनजान शख्स ने एक तेज आवाज में कहा। अच्छा हुआ तू खुद बखुद यहाँ आ गया, लेकिन अब वापस नहीं जा पाएगा, अब वापस तेरी लाश यहाँ से जाएगी, बदमाशों के हेड सूर्या ने उस अनजान शख्स को धमकाते हुए कहा। पर अब वो अनजान शख्स धीरे धीरे उन बदमाशों के नजदीक आता जा रहा है और जैसे ही वो उन बदमाशों के नजदीक आ रहा है वैसे ही उसका चेहरा भी सभी को नजर आने लगता है। ए तुम तो वही हो जिसने सुपर अर्जुन को मारा था, सूर्या ने चौंकते हुए पूछा। जी हाँ वो शख्स कोई और नहीं बल्कि विराज था, जिसके बारे में आरव डॉक्टर जून को कह रहा था कि उसने विराज को मार दिया है, पर इस वक्त विराज जिंदा था और सही सलामत था। हाँ मैं वही हूँ जो तुम जैसे बुरे लोगों का भी कई बार खात्मा कर चुका है, और आज बारी तुम्हारी है, विराज ने उन सभी बदमाशों को धमकाते हुए कहा। विराज की इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद वे सभी स्कूली लड़कियों के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो विराज को चीयर्स करते हुए आगे कहने लगी। हाँ विराज भैया ये सभी गुंडे हमें किडनैप करके यहाँ लाए, अगर आप यहाँ नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता, इसलिए इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, और आपसे बेहतर ये काम और कौन कर सकता है। हाँ तुम सभी ठीक कहती हो, वैसे अब तो तुम सबको डर नहीं लग रहा है ना, विराज ने मुस्कुराते हुए सवाल पूछा। जब तक आप यहाँ मौजूद नहीं थे तब तक हमें बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब आप यहाँ आ गए तो डर किस बात का, उन लड़कियों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। विराज की उन बदमाशों के अड्डे पर मौजूदगी उन बदमाशों के चेहरे पर खौफ लाने के लिए काफी है, इसीलिए अब वे सभी बदमाश विराज के आगे हाथ जोड़ने लगे। हमें माफ कर दो विराज, हमसे गलती हो गई, हम आइंदा से ये सब नहीं करेंगे, और वैसे भी अब तुम आइंदा से कुछ करने के लायक भी नहीं रहोगे। ऐसा कहते ही विराज ने उन सभी बदमाशों की पिटाई शुरू कर दी और चंद ही मिनटों की पिटाई के बाद उन सभी बदमाशों की अक्ल ठिकाने आ गई। अगले ही पल विराज अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके उन सभी बदमाशों समेत वहां पर मौजूद सभी स्कूली लड़कियों को भी एक झटके में पुलिस थाने ले आया। ये लीजिए सर, मैं आपके मुजरिमों को आपके पास ले आया जिन्होंने मासूम सी स्कूल की लड़कियों का किडनैप किया था, विराज ने इंस्पेक्टर से कहा। इंस्पेक्टर ने जैसे ही विराज को देखा वो खुश हो गया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अरे पांडे ले जाओ इन्हें अंदर, डाल दो हमेशा हमेशा के लिए हवालात में, इंस्पेक्टर ने हवलदार पांडे से कहा, और अगले ही पल वो विराज का शुक्रिया अदा करते हुए बोला। जो काम हमें करना चाहिए वो तुमने किया है, इसलिए इस काम को करने के लिए शुक्रिया। तभी इतने में वहां पर मौजूद वे सभी स्कूली लड़कियां भी विराज का शुक्रिया अदा करते हुए बोली, थैंक यू विराज भैया, आज आपने हमारे साथ बहुत कुछ गलत होने से बचा लिया। इसमें मेरा आभार प्रकट करने की कोई बात नहीं है, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए, अभी मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया इसलिए आप मुझे अब इजाजत दें, और हाँ तुम लड़कियों से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी बदमाश तुम्हारे ऊपर आंख उठाने से भी डरे, विराज ने कहा और फिर वहां से गायब हो गया। एक तरफ विराज गायब हो चुका था तो वहीं दूसरी तरफ आज डॉक्टर जूल अपनी सीक्रेट लैब में मौजूद न होकर शहर में एक आम इंसान बनकर घूम रहा है। वो अभी एक छोटी सी चाय की दुकान के बाहर लगी एक प्लास्टिक चेयर पर बैठा हुआ है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ विराज का पता लगाना है, क्योंकि उसे अभी भी आरव की बातों में पूरी तरह विश्वास नहीं है कि उसने विराज को खत्म किया है, इसीलिए आज वो खुद अपनी पावर्स के दम पर पिछले कई घंटों से विराज का पता लगाने में जुटा हुआ है। मैं पिछले कई घंटों से अपनी पावर का इस्तेमाल करके थक चुका हूँ, लेकिन बावजूद इसके मुझे विराज का कोई पता न लग सका, ये मेरे लिए इतना मुश्किल कैसे हो सकता है, मेरी सुपर पावर मुझे धोखा कैसे दे सकती है, क्या वो वजह है जो मुझे विराज तक पहुंचने से रोक रही है, डॉक्टर जूल मनी मन खुद से बातें करते हुए कहता है। तभी उसकी नजर सामने कुछ लोगों पर पड़ती है जिसको देख डॉक्टर जूल कहता है, ये सारे इतने आराम से घूम रहे, मेरा खौफ ही खत्म हो गया शहर में, मुझे कुछ भी करके अपना खौफ वापस लाना होगा लोगों में, पर पहले विराज के बारे में पता चल जाए। डॉक्टर जूल विराज को लेकर अपने ही ख्यालों में अभी बस उलझा हुआ है।
तभी वहां पर दो और लोगों की दस्तक होती है जो कि आकाश और श्रुति हैं। आपका अंदाजा सही था डॉक्टर, विराज अभी मरा नहीं, वो अभी जिंदा है। मैं उसे अभी अभी अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ, श्रुति ने धीमे से डॉक्टर जूल से कहा। अब आगे क्या कदम उठाएगा डॉक्टर जूल? आखिरकार श्रुति के मुंह से डॉक्टर जूल को यह सच्चाई पता चली गई कि विराज अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा है, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर जूल पूरी तरह से शॉक में है। क्या क्या कहा तुमने, विराज अभी मरा नहीं जिंदा है? डॉक्टर जूल ने चौंकते हुए पूछा। हाँ डॉक्टर, ये सच है, मैंने विराज को आज कुछ स्कूल की लड़कियों की मदद करते हुए देखा था जिन्हें कुछ किडनैपर्स अपने अड्डे पर लिए जा रहे थे। तब विराज ने इन मौके पर उनके अड्डे पर जाकर उन्हें सबक सिखाया था, श्रुति ने डॉक्टर जूल से कहा। श्रुति से यह सब सुनने के बाद डॉक्टर जूल ने कुछ सोचकर कहा, क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रही हो ना, या कोई मजाक तो नहीं कर रही? डॉक्टर जूल की बातें सुनकर श्रुति ने अपनी तरफ से कहा, अगर मेरी बात झूठ निकली तो मैं खुशी खुशी आपके सामने जान दे दूंगी। श्रुति की आंखों में इस वक्त डॉक्टर जूल को सच्चाई दिखाई दे रही थी। जिसका मुझे डर था वही हुआ, इसका मतलब आरव ने मुझसे झूठ बोला, डॉक्टर जूल ने थोड़ा टेंशन में आकर कहा। हाँ, और आरव ने आपसे झूठ बोला है, और मुझे ऐसा लगता है कि आरव आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा प्लान करने वाला है जिससे आपको भारी नुकसान पहुंचे, आकाश ने कहा। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? डॉक्टर जूल ने हैरानी से पूछा। उसके इस सवाल पर आकाश ने कहा, क्योंकि जब आरव आपसे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। आकाश की बात सुन डॉक्टर जूल ने झट से पूछा, वैसे इस वक्त आरव है कहाँ? मेरी तो काफी देर से बात नहीं हुई इससे। हाँ डॉक्टर, हमें भी कुछ नहीं पता, श्रुति और आकाश ने एक साथ जवाब दिया। कहीं आरव अभी मेरी सीक्रेट लेबोरेटरी में तो नहीं? अगर ऐसा है तो हमें बिना देर किए वहां पहुंचना होगा, डॉक्टर जूल ने कहा। हाँ डॉक्टर, जल्दी कीजिए क्योंकि आरव किसी भी पल अब कुछ भी कर सकता है, श्रुति ने कहा। और अगले ही पल वे तीनों वहां से गायब होकर पहुंच गए वापस डॉक्टर जूल की सीक्रेट लैब के अंदर, जहां जाकर डॉक्टर जूल की नजर सबसे पहले आरव पर ही पड़ती है, जो डॉक्टर जूल के बनाए उस लैब में मौजूद तमाम सिस्टम पर छेड़खानी करने पर तुला हुआ है, जिसने काफी हद तक डॉक्टर जूल की लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहां पर रखे तमाम इन्वेंशन को भी फेल कर दिया है, और अब उसकी कोशिश है कि वो डॉक्टर जूल की इस सीक्रेट लैब को पूरी तरह बर्बाद कर दे। मैं डॉक्टर जूल के सिस्टम के साथ उसे भी तबाह करके रख दूंगा, इससे पहले वो यहाँ आ जाए मुझे जल्दी सब कुछ खत्म करना होगा, ऐसा कहते ही वो तेजी से अपनी उंगलियों को घुमाते हुए लैब में मौजूद उस एडवांस सिस्टम को खराब करने पर तुल जाता है। वाह, किसी ने सच ही कहा है, कुत्ते को पाल लो पर इंसान के बच्चे को मत पालो, वो कभी अपनी वफादारी नहीं निभाता। आरव के ठीक पीछे से एक आवाज आई, आरव ने जैसे इस आवाज को सुना तो वो रुक गया, पर तभी वो पीछे मुड़ा जहां डॉक्टर जूल के साथ श्रुति और आकाश भी मौजूद है। डॉक्टर जूल को इस तरह अचानक अपने सामने देख आरव पूरी तरह घबरा जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, डॉक्टर आप यहां कब आए, क्या एक्टिंग करने लगे आरव? वाह, मान गए, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करना सीख गए, डॉक्टर जूल मुस्कुराते हुए कहता है। नहीं वो डॉक्टर, वो सिस्टम कुछ वायरस आ गए थे जिसके कारण। आरव अभी आगे कुछ कहता कि इतने में आरव की इस घबराहट भरे सवाल पर डॉक्टर जूल फिर से मुस्कुराता है और कुछ देर बाद आरव से पूछता है, क्या बात है? अरे आरव, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जरा मुझे बताओगे कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम वो कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो यहाँ पर जिससे मेरे सिस्टम का वायरस मर जाएगा और मुझे फ्यूचर बेनिफिट देगा? हाँ आप पूछ रहे हैं डॉक्टर, तो मैं बता दूं कि मैं बस आपके फ्यूचर बेनिफिट के लिए ही तो काम कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि आप यहाँ नहीं है तो मैं खुद से एक एंटीवायरस बना दूं और फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करके आपके लिए कुछ सरप्राइज क्रिएट करूं, एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ आरव ने कहा। लेकिन इस लैब का सिस्टम तो कुछ और ही बता रहा है, मेरा सिस्टम कह रहा है कि तुम मुझसे दगाबाजी कर रहे हो, तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो, डॉक्टर जूल ने आरव को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा। डॉक्टर जूल की इस बात पर आरव हंसता है और अगले ही पल अपने शैतानी रूप में आ जाता है। अब जब तुम मेरी हकीकत जान ही चुके हो तो ये भी जान लो कि आज मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा, आज तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता, आरव एक अजीब सी शैतानी आवाज में डॉक्टर जूल को धमकाते हुए कहता है। मेरे बनाए प्यादे, तुम आज मुझे को आंख दिखा रहे हो, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, और जहां तक मुझे खत्म करने का सवाल है उसका ख्याल भी अपने जहन से निकाल लो, क्योंकि अब तुम मुझे नहीं बल्कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन उससे पहले तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्यों किया तुमने ये सब? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने विराज को खत्म कर दिया, लेकिन ये सच नहीं है, विराज मरा नहीं, फिर तुमने क्यों किया ये सब? एक अजीब सी शैतानी आवाज में डॉक्टर जूल ने पूछा, जिसके बाद आरव हंसने लगा और फिर कुछ देर बाद बोला, क्योंकि मैं तुमसे अपने पिता की मौत का इंतकाम लेना चाहता था। सुपर अर्जुन के इस दुनिया से जाने के बाद मैंने विराज के अंदर वो सारी शक्तियां देखी जिससे मैं उसका सहारा लेकर तुम्हें मौत दे सकूं, तुमसे अपने पिता की मौत का इंतकाम ले सकूं। आरव की बात सुन डॉक्टर जूल के चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया। उसने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, इस आरव को ये सब कैसे पता है? क्या सोच रहे हो डॉक्टर, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, आरव ने पूछा। इसके जवाब में डॉक्टर जूल ने कहा, ये तुम इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि मैंने ही तुम्हारे पिता को मारा है, जबकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुम्हारे पिता अभी भी मेरे अंदर जिंदा है, तुम चाहो तो उन्हें अभी भी महसूस कर सकते हो मेरे अंदर, मैंने तो तुम्हें बताया था कि मैं दोबारा तुम्हारे पिता के कारण ही जिंदा हो सका। डॉक्टर जूल की इस बात को सुनकर आरव अब गुस्से से लाल हो गया, उसने दांत भींचते हुए कहा,
बार कितना झूठ बोलोगे तुम मुझसे? कब तक तुम मुझे धोखे में रखोगे? अब तुम्हारा झूठ, तुम्हारा ये धोखा मेरी आंखों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा डॉक्टर, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। तो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूं और मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? डॉक्टर जूल पूछता है। मुझे भी पहले यही लगा था जब तुमने मुझे अपनी सच्चाई बताई थी, लेकिन असल सच्चाई तो मुझे विराज के पास जाकर पता लगी जब मैं उसे खत्म करने पहुंचा था। आरब ने इतना कहा ही था कि डॉक्टर जूल की आंखें बड़ी हो गई। उसने मन ही मन कहा, ओह तो इस नए नमूने ने मेरी इस कठपुतली को बहकाया है। ज्यादा मत सोचो डॉक्टर, तुम्हारा पर्दा फाश हो चुका है, आरब ने गुस्से से कहा और उस पल के बारे में सोचने लगा। ये कुछ दिन पहले की बात है जब आरब विराज को खत्म करने पहुंचा था। आरब अभी विराज पर अपना पहला वार करता है। इससे पहले विराज को आरब को देखकर कुछ महसूस हुआ, जिसके बाद विराज ने आरब को अपनी सुपर पावर से गायब कर दिया और एक सुनसान जगह पर पहुंचा दिया, जहां थोड़ी ही देर में विराज भी आ पहुंचा। लेकिन अगले ही पल विराज ने आरब के ऊपर अटैक करने से पहले उससे एक सवाल पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है मुझे खत्म करने? मुझे यहाँ डॉक्टर जूल ने भेजा है ताकि आज मैं तुम्हें खत्म करके उन्हें इस बात की खुशखबरी दे सकूं कि मैंने अच्छाई के नए रक्षक विराज का खात्मा कर दिया है और आज तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए तैयार हो जाओ मरने के लिए। ऐसा कहते ही आरव अपनी पावर का यूज विराज के ऊपर करने लगता है, लेकिन विराज बड़ी ही फुर्ती के साथ आरव के इस अटैक को अपने हाथों से रोक देता है, जिसे देखकर आरव पूरी तरह शॉक हो जाता है। अभी तक तुम ये जान ही गए होगे, तुम किसी भी हालत में मेरा सामना नहीं कर सकते, मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा कहते ही विराज की नजर आरव के बाएं कंधे पर जाती है, जहां पर से थोड़ा सा खून निकल रहा है। आगे विराज धीमे धीमे आरव के सामने पहुंचकर उसके बाएं कंधे को छूता है और उसके कंधे से निकल रहे खून को विराज के हाथों में लेकर कुछ महसूस करता है। इसके बाद विराज अपनी आंखें बंद करता है और अपनी सुपर पावर का यूज करने लगता है। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है और पूरी तरह शॉक हो जाता है। तुम्हारा चेहरा ये बताने के लिए काफी है कि तुम एक इंसान हो, इसलिए मैंने भी तुम्हें अभी तक खत्म नहीं किया। तुम जिस दलदल में धंसते जा रहे हो वहां तक पहुंचाने वाला भी डॉक्टर जूली है, जिसका साथ अभी तक तुम जाने अनजाने में देते आ रहे हो, विराज आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। विराज की ये सारी बातें सुन आरव चौंक जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम तो मेरे दुश्मन हो। आरव ने पूछा, ये तुम्हारा मानना है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, लेकिन हकीकत तो यह है कि मैं बुराई का दुश्मन हूं, अच्छाई का नहीं। अब तुम बुराई का साथ दे ही रहे हो तो इसलिए मैं तुम्हारा भी दुश्मन बन गया, और साथ ही तुम्हारे उस डॉक्टर जूल का भी, जिसने तुम्हें अभी तक अंधेरे में रखा है। क्या तुम्हें अपने पिता के मरने की असली वजह पता है? विराज ने आरव से सवाल किया। नहीं, मेरे पिता मरे नहीं है, बल्कि वो अभी भी जिंदा है, आरव ने कहा। ओ तो इसका मतलब डॉक्टर जूल ने तुमसे एक राज छुपा कर रखा है कि तुम्हारे पिता भी जिंदा है, जबकि हकीकत तो यह है कि उन्हें कई साल पहले ही डॉक्टर जूल ने खत्म कर दिया था। उसने तुम्हारे पिता की बॉडी का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल ही किया है, उन्हें जिंदा नहीं रखा, विराज ने आरव को समझाया, पर आरव को ये बातें बचका नहीं लगी। डॉक्टर जूल ने मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह समझा है और मैंने कई बार उनके चेहरे पर अपने पिता का चेहरा देखा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं ताकि तुम मुझे डॉक्टर जूल के खिलाफ भड़काकर अपने इरादों में कामयाब हो सको, पर ऐसा नहीं होने वाला, आरब ने गुस्से में कहा। अगर ये मेरी मनगढ़ंत कहानियां होती तो जरा सोचो, मुझे तुम्हारे पिता के बारे में इतना कुछ कैसे पता चलता? कैसे मैं ये सब जान पाता कि डॉक्टर जूल का ऑरा उस वक्त तुम्हारे पिता की बॉडी के अंदर दाखिल हुआ था जब वो बुरी तरह घायल थे? विराज की इस बात ने आरव को भी कुछ देर में सोच में डाल दिया, क्योंकि ये बातें सिर्फ डॉक्टर जूल और आरव को ही पता थी, लेकिन आज इन दोनों के साथ ही विराज को भी ये राज पता चल चुका है। मुझे लगता है तुम्हारा कहना सही है, अगर डॉक्टर जूल मेरे पिता की मौत का जिम्मेदार है तो मैं उसे अब भी जाकर खत्म कर दूंगा, पर तुम साबित करके दिखाओ, आरव गुस्से में कहता है। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, बस तुम्हें वो करना है जो मैं तुमसे कहूंगा, और रही बात साबित करने की तो मैं बता दूं कि एक शरीर में एक ही इंसान का ऑरा रह सकता है, और अगर दो ऑरा आ जाए तो बाद में बहुत परेशानी होती है। डॉक्टर जूल तो एक शैतान था, उसने तुम्हारे पिता के शरीर का फायदा उठाया, विराज ने पूरी सच्चाई बताते हुए कहा। ये सोचते सोचते आरव अपने वर्तमान में आ गया, उसने देखा सामने डॉक्टर जूल उसे घूरे जा रहा है। ये सारी बातें बताते हुए आरव ने आखिरी में कहा, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैंने विराज को खत्म कर दिया, जबकि हकीकत तो यह है कि ये हमारा एक प्लान था ताकि मैं तुम्हें बर्बाद कर सकूं। आरव के ऐसा कहते ही डॉक्टर जूल जोर जोर से हंसने लगा और देखते ही देखते वो अपनी शैतानी रूप में आ गया। अब जब तुम्हें मेरी हकीकत पता चली चुकी है तो सुनो, ये सच है कि मैंने तुम्हारे पिता की सिर्फ बॉडी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैंने उन्हें खुद ही अपने हाथों से मारा था, और आज मैं तुम्हें भी तुम्हारे पिता के पास भेज देता हूँ। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल आरव से कहता है। डॉक्टर जूल के सामने खड़ा आरव भी उसे देखकर गुस्से से आग बबुला हो चुका है, क्योंकि जिस डॉक्टर जूल को वो अपना हितैषी समझ रहा था वो असल में उसके पिता का कातिल निकला, इसलिए आरव डॉक्टर जूल के ऊपर अपनी पावर से अटैक कर देता है। लेकिन डॉक्टर जूल आरव के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए डॉक्टर जूल आरव के अटैक्स को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। मैंने तुम्हें इतना पावरफुल बनाया था कि तुम बुराई का विस्तार करने में मेरा साथ दोगे, लेकिन आज मेरे ही बनाए हुए प्यादे तुम मुझे को आग दिखा रहे हो। अब तक तो तुम्हें भी पता चल गया होगा कि डॉक्टर जूल से दगा करने का अंजाम क्या होता है। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हें एक कीड़े की तरह मसल कर रख सकता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत और पावर बची है तो उठो और फाइट करो मुझसे, डॉक्टर जूल आरव का मजाक उड़ाते हुए कहता है।
डॉक्टर जूल की बातें आरव के कानों तक पहुंचती है, जो कि नीचे घायल पड़ा है, लेकिन अभी भी उसके जहन में अपने पिता की मौत का इंतकाम लेने का जुनून सवार है। इसलिए वो हिम्मत करके उठता है और वापस से डॉक्टर जूल के ऊपर अपनी पावर का अटैक करता है। लेकिन इस बार भी बड़ी आसानी से डॉक्टर जूल आरव के इस अटैक को भी आसानी से रोक लेता है और जवाबी अटैक अपनी सुपर पावर का आरव के ऊपर करता है, जिससे चंद ही सेकंड के अंदर आरव हार जाता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे धोखा दिया, आरव अपने चेहरे से खून के छिपे पोंछते हुए कहता है। अब क्या आरव अपने पिता की मौत का बदला ले पाएगा डॉक्टर जूल से? आरव डॉक्टर जूल के सामने खड़ा था पर वो हार चुका था और उसे देखकर लग रहा था कि वो काफी बेबस और लाचार हो गया है। डॉक्टर, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तुमने मेरे पिता को मारा, क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने तुम्हारा, आरव ने लगभग रोते हुए कहा। वो अभी आगे कुछ भी कह पाता कि तभी इतने में डॉक्टर जूल ने कहा, तुम्हारे पिता ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, पर मुझे उनका शरीर चाहिए था, बस इसी कारण मुझे ये सब करना पड़ा। हाँ, मैंने तुम्हारे पिता को मारा और अब तुम्हारी बारी है। कहते हुए डॉक्टर जूल ने एक वार किया। आरव उस वार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। देख लिया मुझसे बगावत करने का अंजाम, जो कल तलक मेरे इशारों के ऊपर नाचा करता था वो आज मुझसे ही बगावत करने चला था, इसलिए इसका मरना तय था। और तुम दोनों भी ये बात कान खोलकर सुन लो कि अगर गलती से भी तुमने मेरे साथ विश्वासघात करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। डॉक्टर जूल एक अजीब गुस्सेल आवाज में श्रुति और आकाश से कहता है, आप हम पर भरोसा रखिए, हम मर जाएंगे मगर तब भी आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। श्रुति ने कहा, हमें आपसे विश्वासघात का अंजाम मालूम है, इसलिए हम सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते। तभी आकाश ने भी बीच में आकर कहा। दोनों की बातें सुन डॉक्टर जूल के अंदर एक घमंड आ गया। शाबाश, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी, इसी तरह तुम जैसे लोगों का मुझे साथ मिलता रहा तो मुझे अपने इरादों में कामयाब होने से कोई भी रोक नहीं सकता, विराज भी नहीं। डॉक्टर जूल ने कहा। जहां एक तरफ डॉक्टर जूल आरव को मार चुका है तो वहीं दूसरी तरफ अभी खबर विराज तक भी पहुंच गई है कि आरव अब मर चुका है, जिसका एहसास उसे अभी अभी हुआ है। आरव की मौत से विराज को एक झटका लगा था, क्योंकि वो जानता था कि आरव कोई बुरा इंसान नहीं था, बल्कि डॉक्टर जूल के कारण वो बुराई का साथ देने लगा था। इंतकाम तो अब होगा तुम्हारी मौत का, बहुत जल्द डॉक्टर जूल तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अब बहुत जल्द एक ऐसा युद्ध होगा जो बुराई को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा कर रख देगा, विराज खुद से बातें करते हुए कहता है। एक तरफ विराज ने मन ही मन बुराई के खिलाफ कुछ निश्चय किया है तो वहीं दूसरी तरफ पैरेलल यूनिवर्स में डेविड जूल अपने इन्वेंशन के दम पर प्रोफेसर श्रीनिवासन के बारे में काफी हद तक जानकारी जुटा चुका है, इसलिए अब वो खुद श्रीनिवासन को लेकर एक नया प्लान कर रहा है। डेविड जूल को प्रोफेसर श्रीनिवासन के बारे में उस पेपर की कटिंग में कुछ ऐसा पता चला जिसके कारण वो बेहद ही हैरान है। उस पेपर के कटिंग के हिसाब से श्रीनिवासन और डॉक्टर ध्रुव दोनों भाई थे, पर श्रीनिवासन जब 7 साल का था उस वक्त ही उसका पूरा परिवार मारा गया था, उस एक्सीडेंट में श्रीनिवासन ही एक बचा था, तो फिर आज के जमाने में जो डॉक्टर ध्रुव है वो कौन है और क्या वो श्रीनिवासन का भाई है? इतना कहकर डेविड जूल खामोश हो गया और गाड़ी चलाने लगा कि तभी थोड़ी दूर जाने के बाद उसके मन में एक ख्याल आया। आज वो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगा प्रोफेसर, मेरे उस इन्वेंशन से सब कुछ बाहर आ जाएगा, इसलिए तैयार हो जाओ दुनिया के सामने खुद को इस हाल में देखने के लिए, डेविड जूल खुद से बातें करते हुए कहता है। और अगले पल वो अपने घर से निकल पड़ता है श्रीनिवासन के लैब की तरफ। डेविड जूल अभी अपनी कार से जा रहा है। डेविड जूल के हाथ में अभी एक मीटर है जो उसे लोकेशन बता रहा है श्रीनिवासन की उस सीक्रेट लेबोरेटरी का, और साथ ही उसके कार के फ्रंट में उसका स्मार्ट आईपैड लगा हुआ है जिसके अंदर वो अभी एक बड़ा सा अंधेरा कमरा देख पा रहा है। यहाँ पर कुछ 5-6 लोग इकट्ठा हैं जो कि प्रोफेसर श्रीनिवासन के भाई डॉक्टर ध्रुव से कुछ बात कर रहे हैं, जिसका चेहरा अभी भी किसी को नजर नहीं आ रहा है। ये डॉक्टर ध्रुव किससे बातें कर रहा है और मैं इसका चेहरा क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, डेविड जूल खुद से कहता है और फिर धीरे धीरे अपने उस मक्खी वाले कैमरे को कंट्रोल करने लगता है। तभी उनमें से एक शख्स डॉक्टर ध्रुव से बोला, सुपर अर्जुन को जिसने इतना पावरफुल बनाया है, सुनने में आया है कि वो आपका भाई प्रोफेसर श्रीनिवासन है। हाँ, वो मेरा ही भाई प्रोफेसर श्रीनिवासन है जो सुपर अर्जुन का इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर रहा है ताकि वो मुझे बर्बाद कर सके, मुझे मेरे इरादों में कामयाब होने से रोक सके, डॉक्टर ध्रुव ने कहा। लेकिन हम अपने जीते जी ये सब नहीं होने देंगे, सुपर अर्जुन आपके लिए खतरा बने उससे पहले हम उसके लिए काल बन जाएंगे, वहां पर खड़े बाकी लोगों ने कहा। उसकी टेंशन मत लो, सुपर अर्जुन कब क्या करेगा, कैसे करेगा और कहां तक मुझे नुकसान पहुंचाएगा, उसे कब खत्म करना है, ये सब मेरे खुफिया दिमाग के अंदर पहले से ही सेट है, डॉक्टर ध्रुव ने कहा। तभी वहां पर मौजूद चौथा शख्स बोला, इसका मतलब आपकी प्लानिंग सुपर अर्जुन को हमेशा इशारों पर नचाने की है, लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल होगा क्योंकि सुपर अर्जुन के पास तो उसकी सुपर पावर मौजूद है, उसे हराना इतना आसान भी तो नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। उस शख्स की बात सुन डॉक्टर ध्रुव ने जवाब दिया, मैं जानता हूं कि सुपर अर्जुन को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए तो मैंने सुपर अर्जुन को कमजोर करने के लिए एक ऐसा जाल बुना है जिसके अंदर धीरे धीरे वो फंसता जा रहा है, और कमाल की बात तो यह है कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं कि उसके साथ
अभी हो क्या रहा है? एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर ध्रुव कहता है, और आपके भाई प्रोफेसर श्रीनिवासन, उसका क्या होगा? वो तेजी से आपकी ओर बढ़ता रहा है, क्या उसके खिलाफ भी आपकी कोई प्लानिंग है जैसे सुपर अर्जुन के खिलाफ? इनमें से एक शख्स ने पूछा। तभी अचानक उस जगह पर लाइट जलती है जहां पर बैठा हुआ है डॉक्टर ध्रुव, जो अपनी चेयर पर मौजूद है, जो आगे पीछे जा रही है। पर कार में बैठा डेविड जूल डॉक्टर ध्रुव का चेहरा देख नहीं पा रहा है क्योंकि कुर्सी दूसरी तरफ है। ये डॉक्टर ध्रुव दीवार की तरफ मुंह करके क्यों बैठा है? डेविड जूल ने कार में बैठे बैठे कहा, जो अपने स्क्रीन पे ये सब कुछ देख रहा था। तभी डेविड जूल ने अपने कैमरे को थोड़ा और पास किया और इतने में डॉक्टर ध्रुव की कुर्सी सामने की तरफ मुड़ी और डेविड जूल ने अपनी स्क्रीन पर जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। इस कुर्सी पर तो बस एक सॉफ्ट बॉय रखा है, ये कैसा मजाक है? और डॉक्टर ध्रुव कहां है? डेविड जूल ने हैरानी से सवाल किया। एक तरफ डेविड जूल हैरान है तो वहीं दूसरी तरफ उस ऑफिस के कमरे में जैसे ही उन तीन चार लोगों ने कुर्सी पर उस सॉफ्ट बॉय को देखा तो उनके होश उड़ गए, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। ये कैसा मजाक है डॉक्टर ध्रुव, सभी लोगों ने कहा। उनके सवाल पर वहां उस सॉफ्ट बॉय में लगे स्पीकर से आवाज आई, ये कोई मजाक नहीं जेंटलमैन, डॉक्टर ध्रुव कभी मजाक नहीं करता। डॉक्टर ध्रुव के कहते ही दूसरी तरफ कार में बैठा डेविड जूल को सारा खेल समझ आ गया। उसने खुद से कहा, ओ तो इसका मतलब प्रोफेसर श्रीनिवासन ने ये सब किया है? हाँ उसी ने किया है, उसने अपने मरे हुए भाई ध्रुव का नाम देकर आज तक दुनिया को बेवकूफ बनाया है। इसका मतलब सुपर अर्जुन को एक गहरी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब बहुत जल्द मैं तुम तक पहुंचूंगा प्रोफेसर श्रीनिवासन, और फिर तुम्हारा ये चेहरा मैं लोगों के सामने लाकर आऊंगा, खासकर तुम्हारे स्टूडेंट सुपर अर्जुन के सामने। आज सुपर अर्जुन भी तुम्हारी हकीकत को जान जाएगा। तुमने यही बोला था ना अर्जुन को कि तुम अपने भाई डॉक्टर ध्रुव के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ रहे हो जिसमें तुम अपने स्टूडेंट का यूज करके उसे उसके इरादों में कामयाब होने से रोक सकते हो, और हमारा भोला अर्जुन तुम्हारी बातों में आ गया। आज मैं दुनिया को बता दूंगा कि तुम्हारा कोई भाई है ही नहीं जिसे तुम्हें रोकना है, खुद से बातें करते हुए डेविड जूल कहता है। डेविड जूल प्रोफेसर श्रीनिवासन और सुपर अर्जुन से रिलेटेड इन्हीं बातों पर उलझा हुआ है। तभी अचानक उसके कार के सिस्टम में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है और देखते ही देखते उसकी कार का बैलेंस बिगड़ने लगता है। वो उस एडवांस कार के फ्रंट पर लगी एक स्क्रीन पर देखता है कि स्क्रीन में रेड निशान दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है खतरे का निशान। ये अचानक मेरे कार के सिस्टम को क्या हो गया? मैं इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? स्क्रीन पर अपनी उंगलियों से कुछ छेड़खानी करते हुए डेविड जूल ने कहा, लेकिन बावजूद इसके वो कार कंट्रोल होने की बजाय कंट्रोल से बाहर होती जा रही। डेविड जूल काफी कोशिश कर रहा है कार को वापस से कंट्रोल करने की, लेकिन हर एक बीतते सेकंड के साथ कार का बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। तभी अचानक डेविड जूल कार का डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी लॉक हो चुके हैं जो खुलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये सब देखकर डेविड अब पूरी तरह परेशान हो चुका है। वो आगे कुछ सोच पाता उससे पहले उसकी कार का बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते उसकी कार ब्रिज के ऊपर चली जाती है और अगले पल वो कार डेविड जूल को लेकर नीचे पानी में गिर पड़ती है। कार पानी में मौजूद है और कार के अंदर अभी भी डेविड जूल मौजूद है जो छटपटा रहा है और कई कोशिश कर रहा है जिससे वो कार से बाहर आ सके, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम ही हो रही है। अब पानी कार के अंदर घुस आया है और साथ ही डेविड को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी है। इसी तरह कुछ मिनटों तक डेविड खुद को बचाने के लिए छटपटाते रहता है, लेकिन अगले ही पल उसकी मौत हो गई। एक तरफ डेविड जूल की मौत हो गई तो वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में काम्या अर्जुन को एक ऐसी जगह पर छोड़कर आई है जहां वो कुछ दिन आराम से रह सकता है। तो वहीं अब काम्या परेशान है, जिसका कारण विराज की वो बातें हैं जिस वजह से काम्या कल से काफी परेशान हो गई है। और दूसरी तरफ उस छोटी सी लड़की की फोटोग्राफ्स, जिन्हें जलाने की कोशिश कल रात गणेश कर रहा था। काम्या ने कल रात उन अधजली फोटोग्राफ्स को अपने बैग में एक बुक्स के अंदर संभाल कर रखा है। अगले ही पल उसे उन फोटोग्राफ्स का ध्यान आता है और फिर वो अपना बैग ओपन करके वापस अपने बुक के अंदर एक छोटी सी लड़की की फोटोग्राफ्स को गौर से देखने लगती है। वैसे इन फोटोग्राफ्स में जो लड़की है, मैं इसकी जैसी तो नहीं दिखती थी बचपन में, फिर ये कौन है और पापा इसकी फोटोग्राफ्स को जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? काम्या खुद से बातें करते हुए कहती है। तभी उसे विराज का ख्याल आता है, जिसने उसे कल ये बात बताई थी कि वो उसके प्लैनेट मेराटिनो की एक मेंबर है। विराज ने मेरे माइंड में शक का बीज पैदा कर दिया है अपने पिता को लेकर, अब विराज ही मुझे इसका सलूशन बताएगा, मुझे अभी विराज के पास जाना होगा, काम्या खुद से बातें करते हुए कहती है। और फिर काम्या उसी सुनसान जगह की ओर निकल पड़ती है जहां उसे कल विराज ने उससे जुड़े एक चौंका देने वाली सच्चाई बताई थी। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर जूल अभी अपनी लेबोरेटरी में मौजूद है, जिसके माइंड में अभी विराज को लेकर कुछ नई प्लानिंग चल रही है और साथ ही वो थोड़ा परेशान भी है, जिसकी अहम वजह आरव है। डॉक्टर जूल ने भले ही आरव को खत्म कर दिया हो, लेकिन उसे अब ये डर सताने लगा है कि उसके लिए काम कर रहे श्रुति और आकाश भी कहीं आरव की तरह उसके साथ दगाबाजी तो नहीं करेंगे, कहीं ये दोनों भी तो उसे बर्बाद करने की अंदर ही अंदर साजिश तो नहीं रच रहे हैं। आप किस सोच में डूबे हैं डॉक्टर, कहीं आप अभी विराज के बारे में तो नहीं सोच रहे? आकाश ने सवाल किया। हाँ तुमने सही फरमाया आकाश, मैं इस वक्त विराज को लेकर कुछ प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक विराज हमारे रास्ते में खड़ा है तब तक हम अपने शैतानी इरादों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, इसलिए अब विराज को अपने रास्ते से हटाना हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया है, डॉक्टर जूल ने कहा। अगर आप हमें इजाजत दें तो हम आज ही जाकर विराज को खत्म कर देंगे, फिर आपके रास्ते का रोड़ा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, श्रुति ने एक अजीब सी आवाज में कहा। अब मैं तुम्हारी इन बातों पर तुम्हारा हौसला अफजाई करूं या फिर तुम्हारी तारीफ करूं? मैंने तुम दोनों से भी कई पावरफुल शैतानों को विराज को खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक वो विराज को खत्म नहीं कर पाए, और तुम्हें लगता है कि तुम चुटकी बजाते ही विराज को खत्म कर दोगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसे मारने के लिए मैं अगर अपनी पूरी फौज भी भेज दूं तो वो उन्हें खत्म कर देगा,
समझ नहीं आता उसके पास इतनी पावर्स आई कहां से। डॉक्टर जूल ने कहा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम विराज को कभी भी हरा नहीं पाएंगे, श्रुति ने कहा। और इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत जल्द विराज हमें कोई नुकसान पहुंचा देगा, हो सकता है वो हम सभी को खत्म कर डाले और वापस अच्छाई का राज स्थापित कर देगा, श्रुति की बात पर आकाश ने कहा। दोनों की बातें सुनकर डॉक्टर जूल बुरी तरह से भाग गया, पर फिर उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मैं विराज को अच्छाई का राज स्थापित करने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। तो फिर हम कैसे खत्म करेंगे विराज को, तभी आकाश ने पूछा, जिसके सवाल पर डॉक्टर जूल पागलों की तरह हंसने लगा। जो कुछ वक्त थम गया था वो अब वापस आएगा, अब फिर एक बार हंकार देगा दस्तक अपनी खूंखार फौज के साथ, जिनका सामना होगा विराज से, और इस बार विराज का हारना तय है। डॉक्टर जूल एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहता है, अब किस तरह की तबाही मचाएगा डॉक्टर जूल। एक तरफ डॉक्टर जूल विराज को खत्म करने के लिए वापस अपनी हंकार की फौज तैयार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विराज अभी काम्या से मिलने उस सुनसान जगह जा पहुंचा है जहां पहले से काम्या उसका इंतजार कर रही है। अरे बड़ी अजीब बात है, मैं इस जगह पर तुम्हें तलाशने आई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी जल्दी यहां पहुंच जाओगे, काम्या चौंकते हुए बोली, जिसकी बात सुनकर विराज हंस पड़ा। मुझे यहां तुम्हारे होने का एहसास पहले ही हो गया था, इसलिए मैं ऐन वक्त पर तुम्हारे सामने पहुंच गया, मुझे मालूम हो गया था कि तुम भी यहां मुझे ढूंढने आई हो, विराज ने जवाब दिया, जिसे सुनकर काम्या हैरान हो गई। पर कैसे, मैंने तो तुम्हें कोई फोन कॉल नहीं किया और ना ही कोई मैसेज छोड़ा था, तो फिर तुम्हें मेरे यहां होने का आभास कैसे हुआ, और ये कैसे पता चला कि मैं यहां आने वाली हूं, वो भी तुमसे मिलने। काम्या ने फिर एक और सवाल विराज से किया। मैंने कहा था ना कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम हमारे प्लैनेट मेराटिनो की एक मेंबर हो, तुम्हारी बॉडी से मिल रहे सिग्नल मुझे तुम तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए अब तुम इस बात को भी मान लो कि तुम भी मेरी तरह इंसान ना होकर एक परग्रही हो, विराज ने कहा। तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, लेकिन इससे ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि मैं इंसान ना होकर मेराटिनो प्लैनेट की एक परग्रही हूं, काम्या ने जवाब दिया। आज नहीं तो कल तुम्हें इस हकीकत को एक्सेप्ट करना ही होगा कि तुम इंसान नहीं हो। खैर अभी तुम्हारे यहां आने का मकसद क्या है, ये बताओगे जरा मुझे, विराज ने काम्या से सवाल किया। हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगी, इसलिए तो मैं यहां सबसे छुपते छुपाते आई हूं। इतना कहते ही काम्या ने अपने बैग में से एक बुक निकाली जिसके अंदर मौजूद है उस छोटी सी लड़की की आधी जली फोटोग्राफ्स, जिसे कल रात काम्या के पिता गणेश ने जलाने की कोशिश की थी। काम्या उन फोटोग्राफ्स को विराज को दिखाती है और कहती है, इस अधजली फोटोग्राफ्स में जो लड़की है उसे मैं नहीं जानती, मैंने इसे आज तक कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे पापा कल रात इन फोटोग्राफ्स को जलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं रहे। जब मेरे पिता वापस घर के अंदर पहुंचे तो मैंने इस फोटोग्राफ्स को चुपके से बाहर आंगन से उठा लिया और इन्हें अपने पास रख लिया। काम्या ने विराज को पूरी बात बताते हुए कहा, जिसे सुनकर विराज भी थोड़ा हैरान है और उन फोटोग्राफ्स को देखने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि तुम्हारे पिता इन फोटोग्राफ्स को जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे और कौन है ये लड़की, मुझे लगता है तुम्हारी फैमिली से इस लड़की का कोई ना कोई गहरा रिश्ता जरूर है, विराज ने अपनी बात काम्या के सामने रखते हुए कहा। कैसा रिश्ता, विराज की बात पर काम्या ने चौंकते हुए पूछा। उसके सवाल पर विराज कुछ देर तक सोचने लगा और फिर बोला, इसका पता तुम्हें अपने घर जाकर लगाना होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम अपने माता पिता को डायरेक्ट फोटो में मौजूद इस लड़की के बारे में मत पूछना, तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे सामने सारी सच्चाई दूध की तरह साफ हो जाए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर इस काम को अंजाम दूंगी, पर मेरा एक सवाल है तुमसे, काम्या ने पूछा, जिस पर विराज ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बोलो क्या सवाल है। यही कि तुम्हारे पास जब इतनी सारी अनोखी पावर्स है तो फिर तुम्हें क्यों नहीं बता देते इस फोटो वाली लड़की के बारे में, काम्या ने पूछा। तो उसके इस बात पर विराज बोला, नहीं मैं इतना भी पावरफुल नहीं हूं, पर तुम्हारे बारे में मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि तुम्हारे पीठ पर बने उस निशान से मुझे एक वाइब्रेशन मिलती है। विराज की बात सुन काम्या थोड़ी उदास हो गई, तभी सामने से विराज ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की कोई फोटो है क्या। नहीं, पर क्यों, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो, काम्या ने हैरान होकर पूछा। इसका जवाब तुम्हें अपने माता पिता से मांगना होगा, शायद मुझसे पहले वो तुम्हें इस बारे में अच्छे से बता सके, विराज ने जवाब दिया। वैसे जब भी मैं अपने मम्मी पापा से अपने बचपन की तस्वीरों के जिक्र करती हूँ तब वो मुझसे कह देते हैं कि उस वक्त हमारे पास कैमरा नहीं था, इसी कारण मेरे बचपन की एक भी फोटो घर पर नहीं है, काम्या ने मायूसी भरा जवाब दिया। तुम्हारे घर पर तुम्हारे बचपन की एक भी फोटोग्राफ्स का न होना, अचानक तुम्हें इस लड़की की फोटोग्राफ्स का मिलना और मेरे तक तुम्हारे सिग्नल पहुंचना, क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब थोड़ा अजीब है, विराज ने पूछा। विराज के सवाल पर काम्या कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। काम्या विराज से मिलने के बाद घर पहुंच चुकी है जहां उसे वापस अपने अतीत से जुड़े हुए सवालों की तलाश करनी है, क्योंकि विराज का मानना है कि काम्या उसकी प्लैनेट मेराटिनो की ही एक मेंबर है। लेकिन काम्या अभी भी विराज की बात से पूरी तरह सहमत नहीं है। काम्या अपने रूम में बैठकर ये सब सोच रही है। वहीं दूसरी तरफ गणेश और मीनाक्षी अभी काम्या को लेकर ही कुछ बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है आजकल हमारी बेटी का बर्ताव थोड़ा बदल गया है, मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से वो काफी परेशान रहने लगी है, अकेले में खुद से बातें करती है और हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगी है, पता नहीं क्या हो गया उसे, मीनाक्षी गणेश से कहती है। मीनाक्षी की बातों से गणेश कुछ सोचता है, अपने सिर पर हाथ लगाता है और फिर सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, वो ये कि मीनाक्षी की बातों का गणेश ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया।
अब आप ये किस बात को लेकर परेशान हो गए जो मेरी बातों का जवाब भी नहीं दिया आपने? मीनाक्षी ने गणेश को परेशान होता हुआ देख सवाल किया। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं दरअसल काम्या के बारे में सोच रहा हूँ। आखिर मैं उसका बाप हूँ, मुझे भी अपनी बेटी की चिंता होती है, मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता, गणेश परेशान होते हुए जवाब देता है। कल उसने हमसे काफी अजीब से सवाल किए, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वो क्यों अपने अतीत के बारे में जानना चाहती है? ये बात मेरे अभी तक समझ में नहीं आई, मीनाक्षी एक बार फिर टेंशन में आकर बोली, जिसके बाद गणेश भी सोच में पड़ गया। कहीं काम्या को किसी ने सच्चाई तो नहीं बता दी, तभी गणेश ने कहा। गणेश की बात सुनते ही मीनाक्षी के चेहरे के भाव बदल गए। क्या, कौन सी सच्चाई, ये किस सच्चाई की बात कर रहे हैं आप? मीनाक्षी ने चौंकते हुए पूछा। मीनाक्षी के सवाल पर गणेश बोला, अरे मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है कि काम्या का कोई दोस्त ऐसा हो या किसी ने उसे मजाक में कुछ ऐसा कह दिया हो कि जिस वजह से उसका माइंड खराब हो गया और इसी वजह से वो हमसे उल्टे सीधे सवाल पूछने लगी है। पर ऐसे कैसे कोई काम्या को उल्टा सीधा कह सकता है, वो भी उसके अतीत को लेकर? अरे जाहिर सी बात है, काम्या हमारी बेटी है, मुझे इसके पीछे कुछ और कारण लगता है, मीनाक्षी ने जवाब दिया। हाँ मैं कब मना कर रहा हूँ कि काम्या हमारी बेटी नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा जरूर है जिसको लेकर काम्या परेशान है, वरना वो हमसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल तो नहीं करती थी, गणेश ने थोड़ा चिंता करते हुए कहा। मीनाक्षी और गणेश यूं ही आपस में अपनी बेटी काम्या को लेकर कुछ बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर काम्या भी आ जाती है। अरे बेटा आ गए तुम, हम भी अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, काम्या की माँ मीनाक्षी बोली। लगता है आजकल मेरी बहुत याद आ रही है आप लोगों को, इसलिए हर वक्त मुझे याद करते हैं आप लोग, काम्या ने एक सीरियस मूड में कहा। अरे हम माँ बाप है तेरे, तुझे याद नहीं करेंगे तो किसी बाहर वाले को याद करेंगे क्या? पता नहीं आजकल तुझे क्या हो गया, तू हमसे ऐसे बातें कर रही है जैसे हम कोई बाहर वाले हैं। अरे बेटा हम तो तेरे अपने हैं, गणेश काम्या के पास जाकर कहता है। आपने मुझे मेरे सवालों का जवाब अभी तक नहीं दिया पापा, काम्या ने कहा। अब बेटा तेरे सवाल ही ऐसे फिजूल होंगे तो मैं क्या जवाब दूं उसका, इसीलिए उन सब बातों को भूल जाओ, गणेश ने कहा। ठीक है इतना तो बता दीजिए कि मेरी बचपन की फोटोज क्यों नहीं है घर पर, तभी काम्या ने अहम सवाल किया। काम्या कैसा कहते ही गणेश थोड़ा हैरान होता है और बातों को टालने की कोशिश करता है। बेटा तू कुछ दिन पहले मुझसे बोल रही थी ना कि तेरे स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो ऐसा कर आज एक नया स्मार्टफोन ले ले, ऐसा कहते ही गणेश अपने शर्ट की पॉकेट से अपना पर्स निकालकर उसमें से कुछ पैसे निकालता है। पापा प्लीज इस बार मुझे कुछ नहीं सुनना और आप ये मेरी बात को बीच बीच में काटने की कोशिश मत करिए, मैंने जो पूछा आपसे वो बताइए, मेरी बचपन की फोटो क्यों नहीं है घर पर, काम्या थोड़ा गुस्से में बोली। बेटा है तो सही तेरे बचपन की फोटो घर में, बाकी तुझे क्या चाहिए, तभी मीनाक्षी बोली। वो सारी की सारी फोटोज 4-5 साल से बाद वाली है, लेकिन उससे पहले की कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं है मेरे घर पर, ऐसा क्यों, काम्या ने फिर एक और सवाल किया। उसके इस सवाल पर गणेश ने जवाब दिया, वो इसलिए कि मैं उस वक्त थोड़ा परेशान था अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर, तुझे तो पता ही है ना उस वक्त तेरे दादा दादी भी जिंदा थे, इसलिए उस दौरान तेरी फोटो क्लिक नहीं कर पाए हम लोग, और वैसे भी टाइम काफी अलग था, इतनी सुविधाएं भी तो नहीं थी हमारे पास, और फोटो खींचने खिंचाने का कुछ खास शौक भी नहीं था हम लोगों को, लेकिन बाद में जब तू बड़ी हो गई तो तेरी फोटो खींची थी हमने, ये देख चारों तरफ दीवारों पर ज्यादातर तेरी तो फोटोग्राफ्स है, और वैसे भी इस घर में हम लोगों से ज्यादा तेरी फोटोग्राफ्स है, अब और क्या चाहिए, गणेश काम्या को समझाते हुए कहता है। आपकी बातें बगैर किसी लॉजिक के पापा, ये तो कोई बात नहीं हुई कि फैमिली प्रॉब्लम्स थी और आपने मेरी फोटो क्लिक नहीं की, जबकि आपके बचपन की फोटो भी इस घर पर है लेकिन मेरी नहीं, ऐसा कहते ही काम्या वहां से गुस्से में चली गई, और काम्या के बर्ताव ने गणेश और मीनाक्षी को काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पैरेलल यूनिवर्स में अर्जुन घर पर मौजूद है, यानी कि इस यूनिवर्स के अर्जुन के घर पर, लेकिन जब से अर्जुन इस वर्ल्ड के अर्जुन के घर पर आया है तब से उसने एक बात नोटिस की है, वो ये उसके माता पिता उसे अपना बेटा अर्जुन समझकर हर रोज उसे डांटते रहते हैं, इसलिए आज अर्जुन ने एक नया फैसला लिया है। पता नहीं अर्जुन अभी कहां है, लेकिन एक बात तो तय है, वो जब तक इस घर में होगा तब तक कभी भी चैन से नहीं बैठ पाया होगा। पता नहीं इसके मम्मी पापा भी किस माइंडसेट के हैं, जो आए दिन छोटी छोटी गलतियों पर कई बार तो बेवजह ही उसे डांटते रहते हैं। आज मुझे उसके मम्मी पापा से इस बारे में बात करनी होगी, कैसे भी हिम्मत करके, अर्जुन अपने मन ही मन कहता है, और अगले ही पल अपने मम्मी पापा के कमरे में चला जाता है और अपने माता पिता के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जो कि असल में इस वर्ल्ड के अर्जुन के माता पिता है। अर्जुन को इस तरह अपने सामने खड़ा देख देव गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या बात है ऐसे आंखें फाड़ के क्या दिख रहा है तुम, कुछ काम है तुझे? हाँ पैसे चाहिए होंगे ना, खुद तो कभी कुछ करता नहीं और बेवजह के पैसे चाहिए, ये नहीं कि अपने बाप के काम में कुछ मदद करूं। लेकिन नहीं बेटा तुझे तो फ्री की रोटियां तोड़नी है ना, देव के मुंह से बिना कोई गलती के ये सब सुनकर अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज ना ही आपके पास कोई पैसे मांगने आया हूं और ना ही अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके पास आया हूं, मुझे आप लोगों को अपनी असलियत बतानी है, अर्जुन ने हिम्मत करके कहा। अर्जुन की इस बात पर देव अपनी जगह से उठ गया और बोला, बेटा उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें तेरी असलियत पहले से ही पता है, हमारी बदकिस्मती से तू एक नंबर का निकम्मा नालायक लड़का है हमारा, और यही है तेरी असलियत, देव ने फिर एक बार गुस्से में अर्जुन को लताड़ते हुए कहा। यही तो आपकी प्रॉब्लम है पापा, पता नहीं आप हर वक्त मुझसे ऐसे पेश आते हैं जैसे मैं आपका कोई दुश्मन हूं, अर्जुन ने भावुक होते हुए कहा। बेटा तू जो हर रोज करता है ना वो मैं अच्छी तरह जानता हूं, अपने आसपास देख जरा लड़कों को, कैसे अपने माँ बाप का नाम रोशन किया हुआ है उन्होंने, पर एक तू है जो किसी काम का नहीं और ऊपर से मेरे काम में भी हाथ नहीं बटाता है। बेटा तू बड़ा हो गया और इसलिए तुझे ये सब बात समझ लेनी चाहिए, वरना आगे जाकर तुझे इसका काफी पछतावा होगा, देव ने कहा, जिसकी बात सुनकर अर्जुन ने कहा।
आप ये मत भूलिए कि अर्जुन का जब टाइम होता है तब वो आपके काम में आपकी हेल्प करता है, यहाँ तक कि कई बार वो अपनी स्टडी को बीच में छोड़कर भी आपके साथ आता है काम करने। लेकिन बावजूद इसके आपके दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत है। सुपर अर्जुन की बात सुन देव और देविका चौंक जाते हैं। अर्जुन की ये बात देव और देविका को कुछ अजीब लगती है। अर्जुन ने यहाँ पर उसका यानी कि इस वर्ल्ड के रियल अर्जुन का जिक्र किया है। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तू मेरा बेटा अर्जुन नहीं कोई और है, देव ने चौंकते हुए पूछा। हाँ मैं आपका बेटा अर्जुन नहीं हूँ, कोई और ही हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन की इस बात पर देविका बोली, अरे आज तुझे क्या हो गया, तू ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, मजाक की भी कोई हद होती है, ऐसा मजाक कोई करता है क्या? आप मानो या ना मानो लेकिन मैं आपका बेटा अर्जुन नहीं, किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ अर्जुन, अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन की बात को सुनकर देव और देविका पूरी तरह हैरान रह गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा है कि जो लड़का उनके सामने खड़ा है वो उनका बेटा अर्जुन नहीं कोई और ही है। अब कैसे यकीन दिलाएगा सुपर अर्जुन देव और देविका को? एक तरफ जहां पैरेलल यूनिवर्स में सुपर अर्जुन ने पैरेलल यूनिवर्स के अर्जुन के मां बाप को सच्चाई बता दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस रियल वर्ल्ड में अब रुख लखनऊ का करते हैं, जहां पिंकी और बिट्टू अर्जुन को लेकर आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। काफी लंबा समय हो चुका है और अभी तक हमारी अर्जुन से कुछ भी बात नहीं हो पाई है, वो कैसा है और किस हाल में है इसकी खबर भी हमें किसी ने नहीं दी, बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने भी नहीं, ऐसा लगता है ये लोग अब हमें भूल चुके हैं, पिंकी अपने भाई बिट्टू से कहती है। हाँ तो ठीक कहती है, अगर बड़ी मम्मी बड़े पापा और हमारा भाई अर्जुन इनमें से किसी को भी हमारी याद आती तो कभी कॉल करते तो सही, लेकिन देखो ना जब से वो यहाँ से गए हैं तब से उनका कॉल आना ही बंद हो गया और पिछले 3 महीने से तो बात भी नहीं हो पाई है किसी से हमारी, बिट्टू ने भी जवाब दिया, जिसकी बात सुनकर कहीं ना कहीं पिंकी को भी बुरा लगा। हाँ और हमारा भाई अर्जुन ऐसा लगता है वो भी हमें पूरी तरह भूल चुका है, अब तो अरसा हो चुका है उसकी आवाज ना सुने हुए, देखो जरा उसका ना तो कॉल आता है और ना ही कोई मैसेज, मुझे नहीं लगता अब वो बहुत सेल्फिश हो गया है, पिंकी ने बिना अर्जुन की परेशानी जाने ही कहा। हाँ अब वो सेल्फिश हो चुका है, मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है जब हमें भी खुद को सेल्फिश बना देना चाहिए, हमें भी अब अर्जुन को भूलना होगा और साथ ही हमें ये भी भूलना होगा कि वो हमारा भाई है, बिट्टू ने थोड़ा गर्म तेवर के साथ जवाब दिया। अपने भाई बिट्टू के इस गर्मजोशी तेवर और अजीब सा जवाब सुनकर पिंकी हैरान रही, क्योंकि आज से पहले बिट्टू ने अर्जुन को लेकर कभी भी ऐसी बातें नहीं की थी जैसा कि आज उसने बोला है। अरे क्या तेरा दिमाग खराब हो गया, अर्जुन हमारा भाई है और तू उसके बारे में ये सब कैसे बोल सकता है, पिंकी ने चौंकते हुए पूछा। अरे भाई होगा वो तेरा, मैं उसे अपना भाई नहीं मानता, अरे जब वो हमें याद ही नहीं करता तो किस बात का भाई, ऐसे सेल्फिश भाई को तो मर जाना चाहिए, बिट्टू ने फिर एक बार गुस्से में कहा। बिट्टू की इस बात पर पिंकी को काफी गुस्सा आया, इसलिए उसने बिट्टू को एक धमाकेदार थप्पड़ जड़ दिया। अगर आगे अर्जुन के बारे में कुछ और उल्टा सीधा बोला ना तूने तो मैं मार मार के तेरा हुलिया बदल दूंगी, समझा, तो पिंकी गुस्से में आकर बोली। पिंकी का यह रूप देखकर बिट्टू पूरी तरह से हैरान हो गया। अरे क्यों ना कहूं उसके बारे में ये सब, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले कि मैं अर्जुन से नफरत करता हूं, नफरत, फिर एक बार बिट्टू गुस्से में बोला। भाई ये तुझे क्या हो गया, ये तो आज कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है, तू ये मजाक कर रहा है ना या जानबूझकर कर रहा है, पिंकी थोड़ा हैरान होते हुए बोली। लेकिन पिंकी की इस बात का बिट्टू ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में वहां से चला गया। बिट्टू का यह बदलाव सिर्फ उसका गुस्सा है या इत्तेफाक या कुछ अनहोनी, जब कोई हमारा अपना हमारे नजदीक होता है तो कई बार हम उसकी कदर नहीं करते, उसे बात बात पर कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जिससे उसके दिल को गहरी ठेस पहुंचे, लेकिन जब वो हमारा अपना हमारे पास नहीं होता तब हमें उसकी अहमियत पता चलती है कि वो हमारे लिए कितना कीमती है। ठीक ऐसा अभी पैरेलल यूनिवर्स में हो रहा है, अर्जुन के किसी दूसरे वर्ल्ड में अचानक चले जाने से उसके माता पिता हैरान है, जो कि वक्त वक्त पर उसे बेवजह डांटते रहते थे, लेकिन अब जब अर्जुन उनके पास नहीं है तो उन्हें उसकी अहमियत पता चल रही है। अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू, ऐसा कैसे हो सकता है, अरे तू हमारा बेटा ही तो है, देव ने कहा। मुझे नहीं मालूम कि आपका बेटा कहाँ है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मैं आपका बेटा अर्जुन नहीं, किसी दूसरी दुनिया से आया हूं अर्जुन, अर्जुन ने कहा और फिर आगे अर्जुन के माता पिता को अपनी सारी असलियत बता दी, जिसे सुनकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। पहले तो देव ने इस बात से इनकार करते हुए कहा, मैं नहीं मानता ये सब, आप मानो या ना मानो पर सच्चाई यही है, सुपर अर्जुन ने अपनी तरफ से बात को रखते हुए कहा। तभी देविका भी बोली, हाँ देव शायद ये सही कह रहा है, क्योंकि हमारा बेटा ऐसा नहीं था, वो तो अपनी बात हमारे सामने रख भी नहीं पाता था और ये हमसे आंखें मिलाकर बातें कर रहा है, इसलिए मुझे लगता है ये सही कह रहा है। देविका की बात सुन देव भी थोड़ा हैरान हो गया और उसने कहा, ठीक है चलो मान लिया कि तुम सच कह रहे हो, तो बताओ कहाँ है हमारा बेटा, देव ने शक करते हुए कहा। ये मुझे भी नहीं मालूम कि आपका बेटा कहाँ है और वो कहाँ गया, उसने मुझे इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया, सुपर अर्जुन ने अपनी नजरें नीचे झुकाकर जवाब दिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पता है मेरा बेटा कहाँ है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने बेटे से मिलना है, देखो बता दो, देविका ने रोते हुए कहा। आज ये पहला मौका था जब देव और देविका अपने बेटे के लिए तड़प रहे थे। देव को अपने बेटे के लिए यूं रोता देख अर्जुन बोला, क्या बात है आज आपकी आंखों में अपने बेटे के लिए आंसू आ रहे हैं, जब वो आपके पास था तब ना जाने आप उससे क्या क्या बोलते रहते थे। अरे क्या कुछ नहीं कहा आपने उससे, बेवजह उसे डांटते रहते थे आप उसके साथ ऐसे पेश आते थे जैसे वो आपका बेटा नहीं कोई दुश्मन हो, फिर आज ये आंसू क्यों बहा रहे हैं आप,
सुपर अर्जुन की बात सुनकर दोनों ने अपना सिर झुका लिया। अब मैं आंसू बहाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता बेटा। आज मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास हो रहा है कि जो कुछ भी मैंने अपने बेटे के साथ किया वो गलत था। मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूँ। मेरे बेटे, तू जहां कहीं भी हो सके तो अपने इस पाप को माफ कर देना, लेकिन एक बार मुझसे मिलने आजा बेटे, मैं तेरी शक्ल देखना चाहता हूँ, देव अपने बेटे को याद करते हुए कहता है। तभी देविका भी अर्जुन के सामने आती है और उसे रोते गिड़गिड़ाते हुए कहती है, तुम तो एक सुपर हीरो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। आज एक माँ तुमसे अपने बेटे की भीख मांग रही है, कैसे भी करके मुझे मेरा बेटा लौटा दो। देविका अर्जुन के आगे हाथ जोड़कर रोते गिड़गिड़ाते हुए कहती है। देविका को अपने सामने हाथ जोड़ता देख अर्जुन का दिल भी पिघल गया और अगले ही पल उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। आपका चेहरा हूबहू मेरी माँ से मिलता है, क्योंकि मेरी दुनिया में आप ही तो मेरी माँ है। अगर आप मुझे इजाजत दे तो क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ, सुपर अर्जुन ने भावुक होते हुए कहा। यह सुन देविका की आंखें भर आई और जवाब में देविका ने हाँ में अपना सिर हिलाया। ये सुनते ही अर्जुन भी और भावुक हो गया। माँ, मैं कोशिश करूंगा आपके बेटे को तलाशने की, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मैं आपके बेटे को तलाश लूंगा, अर्जुन देविका को समझाते हुए कहता है और अगले ही पल वहां से चला जाता है। मैंने अर्जुन के माता पिता से यह वादा तो कर दिया कि मैं उनके बेटे को उनसे मिला दूंगा, लेकिन यह काम मेरे लिए इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तो अभी तक ये भी नहीं जानता हूं कि अर्जुन असल में है कहां। खुद से बातें करते हुए सुपर अर्जुन ने कहा और फिर वो डेविड जूल के घर की तरफ चला गया। डेविड जूल के घर पहुंचकर उसने देखा कि डेविड वहां नहीं है। मैं डेविड से मिलने उसके घर आया था, लेकिन वो तो यहां है ही नहीं, लगता है वो कहीं मार्केट गए होंगे कुछ जरूरी काम से, अर्जुन ने कहा और फिर अपनी जेब से फोन निकाला। अगले ही पल अर्जुन ने अपने फोन से डेविड को कॉल लगाया, लेकिन डेविड का फोन अभी भी स्विच ऑफ बता रहा था। हो सकता है अभी किसी जरूरी काम की वजह से उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ किया, या हो सकता है कि उनके फोन में बैटरी ना हो। खैर, मैं यही उनका इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कि डेविड कब तक वापस आते हैं, अर्जुन ने खुद से बातें करते हुए कहा और वहीं पर बैठकर डेविड का इंतजार करने लगा। अर्जुन ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और पाया कि उसे डेविड का इंतजार करते हुए अब पूरे 3 घंटे होने को है, लेकिन अभी भी डेविड वापस घर नहीं आया। अब पूरे 3 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी भी डेविड नहीं आया। मुझे लगता है मुझे कुछ देर और डेविड का ही वेट करना चाहिए, फिर आगे क्या करना है उसका डिसीजन कुछ देर बाद लिया जाएगा, अर्जुन खुद से बातें करते हुए बोलता है। फिर अगले ही पल टीवी ऑन कर देता है। टीवी में अभी न्यूज चैनल चालू है जिसमें डेविड जूल को लेकर कुछ न्यूज टेलीकास्ट हो रही है। कार के सिस्टम में प्रॉब्लम आने के बाद कार ने खोया अपना संतुलन और जा गिरी ब्रिज से सीधा नीचे। कार में मौजूद शख्स की मौत। मृतक की पहचान करने पर पाया गया कि मृतक का नाम डेविड जूल है, जिसकी मौत ड्राइविंग करते वक्त उसकी कार के सिस्टम में खराबी आने से हुई, जिससे कार ने अपना संतुलन खो दिया और वो एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई। इस न्यूज को सुनकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई और एकाएक उसकी आंखें नम भी हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक ये सब कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया डेविड। मैं तो आपसे मिलने आपके घर आया था, लेकिन आप मुझसे मिले बगैर ही चले गए और इतनी दूर की अब जाकर भी मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, अर्जुन ने नम आंखों से कहा। अगले ही पल अर्जुन अपनी जगह से उठा और घर में बेचैन होकर इधर उधर चहलकदमी करने लगा, लेकिन तभी अचानक अर्जुन की नजर डेविड जूल के घर के एक कवर्ड पर जाती है जिसका डोर पहले से ही खुला हुआ है। अर्जुन डेविड की कवर्ड के डोर को बंद करने के लिए कवर्ड तक पहुंचता है, तभी इतने में वो देखता है कि कवर्ड के अंदर एक जगह कोने पर कुछ फाइल्स के बीच एक पेनड्राइव रखी हुई है, जिसे अर्जुन अपने हाथों में उठा लेता है। ये पेनड्राइव कैसी है, मुझे इसे प्ले करके देखना चाहिए, हो सकता है कुछ मैसेज मिल जाए। ऐसा कहते ही अर्जुन सामने दीवार पर लगी स्मार्ट टीवी पर उस पेनड्राइव को प्ले कर देता है। उस पेनड्राइव के जरिए उस स्मार्ट टीवी पर अर्जुन देखता है कि वहां पर उसे प्रोफेसर श्रीनिवासन का चेहरा दिखाई दे रहा है। अर्जुन को वीडियो में देखकर पता चल रहा है कि श्रीनिवासन अच्छा आदमी नहीं बल्कि बुरा आदमी है। अब धीरे धीरे अर्जुन को सब कुछ समझ में आने लगता है और वो ये भी समझ जाता है कि सारा किया धरा तो प्रोफेसर श्रीनिवासन का है, और यहां तक कि उसका कोई भाई है ही नहीं जिसका नाम वो अर्जुन को डॉक्टर ध्रुव बताता है। श्रीनिवासन ही वो शख्स है जो एक ऐसी डिवाइस तैयार कर रहा है जिससे वो देश के तमाम यूथ के माइंड को अपने कंट्रोल में कर सके और फिर अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो सके। पूरी वीडियो देखकर अर्जुन बुरी तरह से हैरान हो गया है और उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब डेविड को प्रोफेसर श्रीनिवासन की हकीकत पता चल चुकी थी, इसलिए मैं जब भी डेविड के सामने प्रोफेसर श्रीनिवासन का जिक्र करता था तो वो हैरान हो जाते थे, और कई बार इनडायरेक्टली तौर पर उन्होंने मुझे प्रोफेसर श्रीनिवासन को लेकर सतर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ही डेविड की बातों को नहीं समझ पाया। लेकिन मुझे अब यह समझ में आ चुका है कि प्रोफेसर श्रीनिवासन ने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया। इतना कहकर सुपर अर्जुन चुप हो गया और पेनड्राइव में कुछ और वीडियोस देखते हुए उसका सिर मानो घूम गया। उसने प्रोफेसर को याद करते हुए कहा, अब तुम्हारा खेल ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला, क्योंकि अब मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास तुम्हें खत्म करने, अर्जुन गुस्से में कहता है और श्रीनिवासन की उस सीक्रेट लेबोरेटरी की ओर निकल पड़ता है। एक तरफ सुपर अर्जुन को प्रोफेसर श्रीनिवासन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तो वहीं उधर दूसरे वर्ल्ड में काम्या आज दूसरे अर्जुन से जाकर मिलती है जो कि पिछले 2 दिन से एक धर्मशाला में रुका हुआ है। तो मेरे दोस्त, क्या हाल है, सब कुछ लाइफ में ठीक तो चल रहा है ना, काम्या ने अर्जुन से हल्का स्माइल के साथ पूछा। क्या यार, जिंदगी बर्बाद हुई पड़ी है, अब तुम पूछती हो कि क्या हाल है,
मेरी जगह तुम होती ना तो तुम्हें एहसास होता कि मैं अभी किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। अरे मैं तो अभी अपनी दुनिया में भी नहीं, अभी तो कैसे हाल हो सकते मेरे, अर्जुन मुंह फुलाते हुए बोला। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो, मैं तो बस तुमसे तुम्हारा हालचाल पूछ रही थी, पर तुम हो कि गुस्सा कर रहे हो। काम्या ने कहा, आई एम सो सॉरी काम्या, एक्चुअली मैं थोड़ा परेशान हूँ अपने माता पिता को लेकर, मैं भी यहाँ इस वर्ल्ड में हूँ और उन्हें वहाँ उस वर्ल्ड में मेरी बहुत चिंता हो रही होगी, अर्जुन ने मायूसी भरा जवाब दिया। अर्जुन और काम्या अभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर अचानक विराज आ जाता है। वो काम्या के साथ बैठे हुए अर्जुन को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। तभी इतने में काम्या की नजर भी विराज पर पड़ती है और वो उससे कहती है, अरे विराज तुम यहाँ पर कब आए? मैं बस अभी अभी आ रहा हूँ, विराज ने कहा और अर्जुन के सामने चला गया। वो अर्जुन को लगातार घूरे जा रहा है। अर्जुन और काम्या भी विराज को अजीब तरीके से देख रहे हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि विराज ऐसे अर्जुन को क्यों घूरे जा रहा है। क्या हुआ विराज, तुम अर्जुन को ऐसे क्यों घूर रहे हो? काम्या ने पूछा। अब कैसे करेगा विराज इस सच्चाई से सामना? विराज अर्जुन को बड़े ही अजीब तरीके से देख रहा था क्योंकि उसे अपनी सफलता पर अब विश्वास हो रहा था। विराज तुम बताओगे तुम अर्जुन को ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? काम्या ने पूछा। उसकी इस बात को सुनकर विराज ने उत्साहित होते हुए कहा, मेरी कोशिश रंग लाई और मैं तुम्हें इस वर्ल्ड में बुलाने में कामयाब रहा क्योंकि तुम ही वो शख्स हो सुपर अर्जुन जो मुझे मेरा खोया हुआ सम्मान लौटाने में मेरी मदद कर सकते हो, विराज ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा। लेकिन विराज की ये बातें अर्जुन के पल्ले नहीं पड़ी, वो तो बस विराज को अजीब नजरों से देखता रहा। नहीं विराज, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, जो अर्जुन तुम्हें अपने सामने दिखाई दे रहा है काम्या ने बताया। उसकी इस बात पर विराज ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब, तुम ये क्या कहना चाहती हो कि ये अर्जुन नहीं है? विराज के इस सवाल पर काम्या ने कहा, ये अर्जुन ही है लेकिन इस वर्ल्ड का अर्जुन नहीं बल्कि पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन है, जो यहाँ अचानक कैसे आ गया वो खुद नहीं जानता। उसके बाद अर्जुन ने अपनी कहानी बताई कि कैसे वो अपने कमरे से अचानक इस जगह पर आ गया। पूरी बात सुनने के बाद विराज ने कहा, अब मुझे समझ में आ गया काम्या, मैंने कोशिश तो की थी कि सुपर अर्जुन को इस वर्ल्ड में वापस लाने की, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ी की वजह से सुपर अर्जुन तो यहाँ नहीं आया बल्कि उसके बदले उस दुनिया का ये अर्जुन जरूर यहाँ आ गया। विराज की यह बातें सुनकर वहां पर खड़ा अर्जुन पूरी तरह बौखला उठा। उसने विराज का कॉलर पकड़ा और गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, तो यह सब कुछ तुम्हारा किया धारा है, आज तुम्हारे कारण मैं अपने वर्ल्ड को छोड़कर यहाँ पहुंच चुका हूँ। अरे तुम्हें पता भी है मैं इस अनजान वर्ल्ड में कैसे घुटघुट कर जी रहा हूँ, वहाँ घर में मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे पर उन्हें क्या पता कि उनका बेटा अभी इस वर्ल्ड में है ही नहीं, ये सब तुम्हारे कारण हुआ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे अर्जुन ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो विराज का गला छोड़ो, तुम्हारे विराज को कुछ नुकसान पहुंचाने से तुम वापस अपने वर्ल्ड में नहीं जा सकते, पर विराज ने भी ये जानबूझकर थोड़ी नहीं किया इसलिए विराज को छोड़ो, काम्या ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। और काम्या के समझाने पर अर्जुन ने विराज का कॉलर छोड़ दिया। देखो मैं मानता हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं अपनी सुपर पावर का यूज सुपर अर्जुन को यहाँ इस वर्ल्ड में वापस लाने के लिए नहीं करता तो शायद आज तुम भी यहाँ नहीं होते, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना, विराज अर्जुन से हाथ जोड़कर कहता है। अब जो हुआ सो हुआ, उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, मैंने गुस्से में आकर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो, अर्जुन भी विराज से हाथ जोड़ते हुए बोला। जिस तरह से तुम अर्जुन को इस वर्ल्ड में लाए हो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसी तरह से तुम अर्जुन को वापस उसी दुनिया में पहुंचा दो? काम्या ने विराज से सवाल किया। ये सब इतना आसान नहीं है, पिछली बार जब मैंने कोशिश की थी सुपर अर्जुन को वापस इस वर्ल्ड में लाने की तो मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया था, और अगर इस बार भी मैंने वापस से अर्जुन को उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश की भी तो शायद हो सकता है कि अर्जुन अपनी दुनिया में पहुंचे ही ना, और ये भी हो सकता है कि कुछ बड़ी गड़बड़ी हो जाए, विराज ने कहा। तो क्या अब मैं कभी भी अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाऊंगा, क्या मुझे सारी जिंदगी इसी अनजान दुनिया में काटनी होगी? अर्जुन ने पूछा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है, तुम सब्र रखो एक दिन तुम अपने वर्ल्ड में वापस जरूर जाओगे, काम्या अर्जुन को समझाते हुए कहती। अब जब सारी उम्मीदें टूट चुकी है फिर भी तुम मुझे दिलासा दे रही हो कि मैं अपने वर्ल्ड में वापस चला जाऊंगा, अर्जुन ने मायूसी भरा जवाब दिया। तुम ऐसे हार नहीं सकते अर्जुन, अगर तुम यूं ही हार मान लोगे तो कभी भी इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा तुम्हें, इसलिए अभी हौसला बनाए रखो क्योंकि मुसीबत में हौसला ही हमारे काम आता है, विराज अर्जुन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है। एक तरफ काम्या, विराज और अर्जुन एक साथ थे तो वहीं पैरेलल यूनिवर्स में सुपर अर्जुन अब अपनी सुपर पावर के दम पर श्रीनिवासन की लेबोरेटरी के अंदर पहुंच चुका है। वो अभी गुस्से में क्योंकि आज उसे प्रोफेसर श्रीनिवासन की असलियत पता चल चुकी है, इसलिए आज वो श्रीनिवासन को किसी भी हाल में खत्म कर देना चाहता है। प्रोफेसर कहाँ हो तुम, बाहर निकलो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सुपर अर्जुन ने इतना कहा और एक लात मारते ही दरवाजे को तोड़ देता है। दरवाजे के टूटते ही वहां चारों तरफ का अलार्म बजने लगता है। अर्जुन अब प्रोफेसर के लैब के अंदर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही अर्जुन प्रोफेसर श्रीनिवासन की लेबोरेटरी के अंदर पहुंचता है वैसे ही वो अपने सामने कुछ ऐसा देखता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। अर्जुन हमें बचा लो बेटा, पैरेलल यूनिवर्स के अर्जुन के माता पिता ने चिल्लाते हुए कहा क्योंकि उनको सामने एक पिंजरे से बांध दिया गया है जिसे हवा में लटकाया गया है। ये सब देखकर अर्जुन पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अर्जुन ने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। अर्जुन देव और देविका के पास जाता है और कहता है ये सब कैसे हो गया? बेटा हमें बचा लो वरना वो हमें मार डालेगा, देव और देविका रोते हुए कहते हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, अब आपका बेटा आ गया है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मेरे होते हुए यहाँ कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अर्जुन देव और देविका को दिलासा देते हुए कहता है।
अगले ही पल अर्जुन चारों तरफ प्रोफेसर श्रीनिवासन को तलाशने लगता है, लेकिन उसे वहां कहीं भी प्रोफेसर श्रीनिवासन नहीं दिखाई देता। प्रोफेसर श्रीनिवासन, अब मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे मैंने सोचा भी नहीं था, इसलिए अब सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, अर्जुन एक गुस्से आवाज में बोला। लेकिन काफी मिनट गुजर जाने के बावजूद भी प्रोफेसर श्रीनिवासन अर्जुन के सामने नहीं आया। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे सामने आ जाओ वरना मैं तुम्हारी इस लेबोरेटरी को तहस नहस कर दूंगा, अर्जुन फिर एक बार एक गुस्से आवाज में बोला। अगले ही पल अर्जुन की नजर वापस से ऊपर हवा में लटकते पिंजरे पर जाती है, जिसके अंदर अभी देव और देविका मौजूद है, जो बार बार अर्जुन से अपनी मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसीलिए इस बार अर्जुन अपनी सुपर पावर का यूज करके हवा में लटक रहे उन एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस पिंजरे को ओपन कर देता है और चंद ही सेकंड के अंदर देव और देविका को श्रीनिवासन की कैद से आजाद कर देता है। तभी इतने में वहां पर प्रोफेसर श्रीनिवासन की सिर्फ आवाज सुनाई देती है। तुम्हें क्या लगा था अर्जुन कि तुम मेरी असलियत जान जाओगे और फिर मुझे खत्म कर दोगे? तुम गलत थे अर्जुन, और आज मैंने तुम्हें पूरी तरह गलत साबित कर दिया। मैं तुम्हारी सोच से कई गुना आगे हूँ अर्जुन, तुम ना ही मुझे कभी जान पाए थे और ना ही कभी जान पाओगे, एक अजीब सी हंसी हंसते हुए प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा। नहीं, तुम गलत कह रहे हो प्रोफेसर, ये बात सच है कि मैं तुम्हें पहले नहीं जान पाया था, लेकिन अब तुम्हारा कच्चा चिट्ठा मेरी आंखों के सामने है। मुझे लगा था कि इस वर्ल्ड में तुम एक अच्छे इंसान होगे, लेकिन नहीं, मेरे ही वर्ल्ड की तरह तुम इस वर्ल्ड में भी घटिया इंसान हो, अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी उस लेबोरेटरी से धुएं का गुब्बार उठने लगता है, और फिर धीरे धीरे जैसे ही धुएं का गुब्बार कम होने लगता है वैसे वैसे प्रोफेसर श्रीनिवासन का चेहरा अर्जुन के सामने साफ होने लगता है। श्रीनिवासन अर्जुन के सामने आया और उसे अपनी अजीब सी नजरों से देखने लगा। बड़ी अजीब बात है ना अर्जुन, कि कई बार हम जिसकी कल्पना तक नहीं करते वो हमारे साथ घट जाता है। अब तुम अपना ही एग्जांपल ले लो, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं तुम्हारी सोच के बिल्कुल विपरीत निकलूंगा? श्रीनिवासन ने अर्जुन से सवाल किया। मुझे तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है प्रोफेसर, मौत के मुंह में खड़े होकर भी तुम बातें ऐसे कर रहे हो जैसे कि यहां सारा कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। हां, सारा कुछ मेरे कंट्रोल में है, इसलिए तो बातें भी वैसे ही कर रहा हूं, अपने ही अंदाज में प्रोफेसर श्रीनिवासन ने जवाब दिया। सारा कुछ क्या मतलब है तुम्हारा? अर्जुन थोड़ा हैरानी से बोला। तुम्हारे साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ वो मेरी एक कल्पना के तहत हुआ है, ताकि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूं अपने बेशकीमती मंसूबों के लिए, श्रीनिवासन ने जवाब दिया। उसकी इस बात को सुनकर सुपर अर्जुन गुस्से से लाल हो गया। अगर तुम्हें मेरा इस्तेमाल अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए करना था तो मुझे वापस से पावरफुल क्यों बनाया? क्या मिला तुम्हें मुझे वापस से पावरफुल बनाकर? अब देखना, तुमने तो मुझे पावरफुल बना दिया, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ऐसा करना आज तुम्हारी मौत को दावत दे सकता है? अर्जुन ने सवाल किया। अर्जुन के सवाल पर श्रीनिवासन पागलों की तरह हंसने लगा। तुम अभी नादान हो अर्जुन, मैंने तुमसे कहा था कि मैं बेवजह किसी काम को नहीं करता, तुम्हें पावरफुल बनाने के पीछे भी मेरा एक मकसद था, मैंने तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी पावर्स देखी जो मेरे काम आ सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें पावरफुल बनाया। मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल इंजेक्ट किए जिससे मैं तुम्हारी एनर्जी सोख सकूं और फिर तुम्हारी इस एनर्जी के दम पर मैं अपने नए क्रिएशन तैयार कर सकूं, लेकिन अफसोस वक्त से पहले ही तुम्हें इन सब के बारे में पता लग गया, श्रीनिवासन ने सुपर अर्जुन को घूरते हुए कहा। बुरे का अंजाम बुरा ही होता है, तुमने लाख कोशिश की मुझसे अपने गुनाह छुपाने की, लेकिन देखा मुझे आखिरकार तुम्हारी सच्चाई पता चली गई ना, अर्जुन ने कहा। हाँ, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब उस डेविड जूल की वजह से हुआ है, इसलिए जब मुझे पता चला कि इन सब के पीछे उसका हाथ है तो मैंने एक साजिश के तहत उसे भी मरवा दिया ताकि किसी को मेरे ऊपर शक न हो। हाँ अर्जुन, मैंने ही मरवाया है उस डेविड जूल को, श्रीनिवासन अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला। और ये सब सुनकर सुपर अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे। ओह, तो डेविड जूल को मारने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है, अर्जुन ने गुस्से में कहा। नहीं, मेरा हाथ नहीं बल्कि मेरा तेज दिमाग है उस डेविड को मारने के पीछे, एक अजीब सी हंसी हंसते हुए प्रोफेसर श्रीनिवासन बोला। प्रोफेसर श्रीनिवासन की इस बात पर अर्जुन गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने प्रोफेसर श्रीनिवासन का कॉलर पकड़ लिया। मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे तेरे किए की सजा मिलकर ही रहेगी, गुस्से में अर्जुन ने कहा। मुझे मारने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और जरा पीछे मुड़कर देखो, प्रोफेसर ने कहा। अर्जुन ने जैसे ही पीछे की तरफ देखा तो वह हैरान हो गया। एक तरफ पैरेलल यूनिवर्स में सुपर अर्जुन प्रोफेसर श्रीनिवासन के जाल में फंस चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में विराज लाइका और रोमा के पास पहुंचता है और उन्हें जाकर अर्जुन के बारे में बताता है कि उसकी ही सुपर पावर ने सुपर अर्जुन के बदले पैरेलल यूनिवर्स के अर्जुन को इस वर्ल्ड में ला दिया है। पूरी बात सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। अब क्या होगा विराज, पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन क्या हमेशा हमेशा के लिए इसी वर्ल्ड में रहेगा? लाइका ने पूछा। मैंने उसे झूठा दिलासा दिया है, मैंने उसे बोला है कि वो एक ना एक दिन अपनी दुनिया में वापस जाएगा, लेकिन असल में ऐसा होगा भी या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, विराज अपनी नजरें झुकाते हुए बोला। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो विराज, जबकि ये तुम्हें भी खबर है कि तुम कोशिश करो तो अर्जुन को वापस उसकी दुनिया में पहुंचा सकते हो, फिर तुम ही अगर ऐसी बात करोगे तो कैसे अर्जुन कभी अपनी दुनिया में वापस जा पाएगा? लाइका ने हैरानी भरा सवाल विराज से किया। तुम ये सब जितना आसान समझ रही हो लाइका, ये उतना आसान नहीं है, मैं अगर कोशिश भी करूं तो ये मुझसे पॉसिबल हो पाएगा या नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम, ये भी हो सकता है कि इस बार मेरा ऐसा करने से अर्जुन अपनी दुनिया में ना पहुंचकर कहीं और चला जाए, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अर्जुन को कहीं कोई किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे, विराज लाइका को समझाते हुए बोला। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम वो कर सकते हो,
जो कोई और नहीं कर सकता। तुम स्पेशल हो। जरा सोचो विराज, कि तुमने अपनी सुपर पावर के दम पर सुपर अर्जुन के पैरेलल यूनिवर्स में होने का पता लगाया। तुम ही वो शख्स हो जिसने लायका को इंसानी रूप दिया। और ये मत भूलो विराज, कि तुम ही वो शख्स हो जिसने अर्जुन के पिता देव को मौत के मुंह से बाहर निकालकर वापस से पूरी तरह ठीक कर दिया। रोमा विराज को समझाते हुए कहता है। टीम है, ठीक कहते हैं विराज, पर मुझे भी यही लगता है। अरे तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, बस खुद पर विश्वास रखो। तुमने पास में जो भी चीजें की है ना, उनमें विश्वास की कमी दिखती है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आगे अगर तुम खुद पर यकीन करोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लायका भी विराज को समझाते हुए कहती है। शायद तुम लोग ठीक कहते हो, आज तुमने मेरे अंदर विश्वास की एक नई ताकत भरी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार अर्जुन को वापस से उसकी दुनिया में भेजने में कामयाब रहूंगा। हल्का मुस्कुराते हुए विराज ने जवाब दिया। तो फिर नेक काम में देर किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं ये काम। मुझे लगता है हमें जल्दी अर्जुन को उसकी दुनिया में वापस भेज देना चाहिए। लायका ने कहा। मैं अपनी सुपर पावर का यूज करके अर्जुन को उसकी दुनिया में भेजूंगा, लेकिन इतना कहते ही विराज रुक गया। लेकिन क्या, लायका ने पूछा। तुम दोनों को भी उसके साथ उसके वर्ल्ड में जाना होगा, विराज ने कहा। विराज की यह बात सुनकर रोमा और लायका पूरी तरह शॉक्ड हो गए। अब क्या रोमा और लायका जाएंगे पैरेलल यूनिवर्स में?